Assalamu alaikum and welcome to the second part of my last video. अभी हम दुल्हन को लेकर घर से रवाना हो गए अल्लाह का नाम लेके। ये हैं चार पांच गाड़ियां हम इकट्ठे जा रहे हैं, क्योंकि दो जो है, एक गाड़ी आगे, उसमें आगे जो जा रही है उसमें दुल्हा बैठा हुआ है, और इधर हम अपनी बेटी को लेके जा रहे हैं इस गाड़ी में। अभी जो ही हम यहाँ पे पहुँच गए इस गांव में, ये दुल्हा जो है दुल्हे मियाँ का ननिहाल है, इधर उसकी जो रिश्तेदार हैं वो दुल्हन का मुंह मीठा कर रहे थे, वो दुल्हे का भी। तो थोड़ी देर हम यहाँ पे रुक गए थे और रिश्तेदार वगैरह दुल्हन से मिल रहे थे, इस वजह से हमें थोड़ा इधर रुकना पड़ा। अभी हम फिर से अपना सफ़र स्टार्ट कर लिया, तो बहुत प्यारे प्यारे जगह जो है यहाँ पे हम नज़र आ रहे थे। यहाँ पे नीचे ग्रीनरी और सालों उस टाइम बादल भी बहुत ज़्यादा छाए हुए थे, बारिश होने वाली थी। डेढ़ घंटा ट्रेवल करने के बाद फाइनली हम जो है वो गांव पहुँच गए जहाँ पे दुल्हन को लेके जा रहे थे। जो ही हम उधर पहुँचे तो बारिश शुरू हो गई, मज़े की धीमी धीमी बारिश हो रही थी इधर, तो बहुत अच्छा लग रहा था। उसके गांव वाले जो है वो भी गाड़ी लेके इस्तकबाल के लिए पहुंच गए थे इधर। काफ़ी अच्छा मौसम था, यहाँ पे गर्मी भी नहीं थी और साथ में हवा चल रही थी, हवा के साथ बारिश भी। फाइनली हम भी खैर खैरियत से दुल्हन को लेकर इधर पहुंच गए उसके ससुराल। तो इधर थोड़ा सा नीचे जाके उसका घर आता है। काफ़ी अच्छा सफ़र रहा हमारा, रास्ते में बहुत मज़ा आया, मौसम भी बहुत अच्छा था, क्योंकि लग रहा था कि बारिश होगी, लेकिन शुक्र है खैर से पहुंच गए। इस टाइम जो है गर्मी में यहाँ पर सैलाब भी बहुत आता है, शुक्र ऐसा कुछ नहीं। थोड़ी देर मतलब थोड़ी मतलब 5-10 मिनट के लिए जो ही हम इधर गांव पहुंचे थे तो बारिश शुरू हुई थी। जब हम यहां पहुंच गए तो काफ़ी लोग हमारे इस्तकबाल के लिए यहां पे खड़े थे। दुल्हन को लेकर हम अभी घर पहुंच गए, तो उधर हमारे लिए खाना रेडी था। अभी हम खाना खा रहे हैं, लंच कर रहे हैं, लंच का टाइम हो चुका था। 4 बजे के करीब हम हैं थोड़ा रेस्ट करने के बाद फिर बाहर घूमने चले गए। घर से बाहर बहुत प्यारा खुला वो जो है ग्रीनरी माहौल था, बहुत अच्छी लग रही थी। नीचे दरिया बह रही थी और आगे जो है ख़ूबसूरत सी गांव, उधर भी इनके अपने रिलेटिव्स रह रहे हैं। और यहाँ पे आप लोग देख सकें कितना अच्छा है नज़ारा। दुल्हन और दुल्हे को भी हम साथ ले आए थे इधर फोटो सेशन के लिए, ग्रीनरी में बहुत अच्छे लग रहे थे दोनों, तो हमने काफ़ी इनकी फ़ोटोग्राफी की। और उसके बाद थोड़ी देर में हम फिर वापस घर आ गए। Thank you.
इसी तरह एक रात गुजार के हम आंसू के साथ बेटी को उधर छोड़ के वापस घर की तरफ लौट गए। उम्मीद है आप सबको मेरा ये वीडियो पसंद आया होगा। अब मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। दुआओं में याद रखिए। बाय बाय, अल्लाह हाफिज़।